अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें। अच्छा देखें, गोश्त बना रही हूँ बकरा ईद के लिए, उसमें चिकनाई होती है ना, इसके अंदर भी चिकनाई, इसीलिए डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने तेल डाल रही हूँ आधा कप। अच्छा ये गर्म है भगोना है ना, तो ये मैंने इसमें गोश्त डाला। प्याज और गोश्त बना रही हूँ मैं, ठीक है। एक तो इसको बनता है, ये इसकी के बगैर बन रहा है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, फिर मिलते हैं, ठीक है। अगर उसको मुंबई तरफ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें मसाले, ये मिर्चें हैं 2 चम्मच पीसी हुई, ये 1 चम्मच नमक है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया है, आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच ज़ीरा है और 4 इलायची है, ठीक है। ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब ये जब भुन जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मसाले डाले ना, तो आपको दिखाया है मैंने। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह ये गोश्त तैयार है। ये प्याज और गोश्त बना हुआ है। ये देखें प्याज और गोश्त बन गया है, सिर्फ है ना, कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर मैंने। ये आपके सामने बन के तैयार है, खाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा और खुद भी खाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, फिर मिलेंगे।